श्री गुरु बाथवालिंगाय नमः। मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्री अनंत कुमार जी, सदानंद गौड़ा जी, श्री रमेश जी, कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री बसवराज राय रेड्डी जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान बी एस येडियुरप्पा जी, बासवा समिति के अध्यक्ष श्री अरविंद जेट्टी जी और विशाल संख्या में आए हुए आप सभी महानुभाव, आप सभी को भगवान बसवेश्वर की जयंती पर अनेक अनेक शुभकामनाएं। बासवा समिति भी अपने 50 वर्ष पूरे कर एक उत्तम कार्य के द्वारा भगवान बसवेश्वर के वचनों का प्रसार करने में एक अहम भूमिका निभाई है। मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति श्रीमान जती साहब को भी इस समय आदरपूर्वक स्मरण करना चाहूंगा कि उन्होंने इस पवित्र कार्य को आरंभ किया, आगे बढ़ाया। मैं आज विशेष रूप से इसके मुख्य संपादक रहे और आज हमारे बीच नहीं है ऐसे कुलबर्गी जी को भी नमन करता हूं कि जिन्होंने इस कार्य के लिए अपने आप को खपा दिया था। आज वो जहां होंगे उनको सबसे ज्यादा संतोष होता होगा कि जिस काम को उन्होंने किया था वो आज पूर्णता पर पहुंच चुका है। हम सब लोग राजनीति से दलदल में डूबे हुए लोग हैं। कुर्सी के इर्द गिर्द ही हमारी दुनिया चलती है। और अक्सर हमने देखा है कि जब कोई राजनेता, कोई राजपुरुष उनका स्वर्गवास होता है, विदाई लेता है, तो बड़ी गंभीर चेहरे के साथ उनके परिवारजन जनता जनार्दन के सामने कहते हैं कि मैं अपने पिताजी के अधूरे काम पूरा करूंगा। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जब राजनेता का बेटा कहता है कि उनके अधूरे काम पूरा करूंगा, मतलब क्या करूंगा? राजनीतिक दल के लोग भी जानते हैं कि इसने जब कह दिया कि मैं उनके अधूरे काम पूरा करूंगा तो इसका मतलब क्या होता है। लेकिन मैं अरविंद जी को बधाई देता हूं कि सच्चे अर्थ में ऐसे काम कैसे पूरे किए जाते हैं। इस देश के उपराष्ट्रपति पद पर गौरवपूर्ण जिसने जीवन बिताया, देश जिनको याद करता है, उनका बेटा पिता के अधूरे काम पूरा करने का मतलब होता है भगवान बसवराज की बात को जन जन तक पहुंचाना, हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाना, आने वाली पीढ़ियों के पास पहुंचाना।
जति साहब स्वयं तो हमारे लिए बहुत आदर्श की बातें रखे गए हैं, लेकिन भाई अरविंद भी अपने इस उत्तम कार्य के द्वारा खास करके राजनीतिक परिवारों के लिए एक उत्तम आदर्श प्रस्तुत किया है। मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं। समिति के 50 वर्ष पूरे होने पर इस काम में मैं दो दो पीढ़ी खप गई होगी, अनेक लोगों ने अपना समय दिया होगा, शक्ति लगाई होगी। 50 साल दरमियान जिन जिन लोगों ने जो जो योगदान दिया है, उन सब का भी मैं हृदय से आज अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको बधाई देना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भारत का इतिहास सिर्फ हार का इतिहास नहीं है, पराजय का इतिहास नहीं है, सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, सिर्फ जुल्म अत्याचार झेलने वालों का इतिहास नहीं है, सिर्फ गरीबी भुखमरी और अशिक्षा और सांप और नेवले की लड़ाई का इतिहास भी नहीं है। समय के साथ अलग अलग कालखंडों में देश में कुछ चुनौतियां आती, कुछ यही पैर जमा कर बैठ भी गई, लेकिन ये समस्याएं, ये कमियां, ये बुराइयां, ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान है इन समस्याओं को निपटने का हमारा तरीका, हमारा अप्रोच। भारत वो देश है जिसने पूरे विश्व को मानवता का, लोकतंत्र का, गुड गवर्नेंस का, अहिंसा का, सत्याग्रह का संदेश दिया है। अलग अलग समय पर हमारे देश में ऐसी महान आत्माएं अवतरित होती रही जिन्होंने संपूर्ण मानवता को अपने विचारों से, अपने जीवन से दिशा दिखाई है। जब दुनिया के बड़े बड़े देशों ने, पश्चिम के बड़े बड़े जानकारों ने लोकतंत्र को, सबको बराबरी के अधिकार को एक नए नजरिए के तौर पर देखना शुरू किया, उससे भी सदियों पहले, और कोई भी हिंदुस्तानी इस बात को गर्व के साथ कह सकता है, उससे भी सदियों पहले भारत ने इन मूल्यों का न सिर्फ आत्मसात किया बल्कि अपनी शासन पद्धति में शामिल भी किया था। 11वीं शताब्दी में भगवान बसवेश्वर ने भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का सृजन किया। उन्होंने अनुभव मंडप नाम की एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जिसमें हर तरह के लोग, गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, वहां आकर के सबके सामने अपने विचार रख सकते थे। यह तो लोकतंत्र की कितनी बड़ी अद्भुत शक्ति थी। एक तरह से यह देश की पहली संसद थी। यहां हर कोई बराबर के थे, कोई ऊंच नहीं, भेदभाव नहीं, मेरा तेरा कुछ नहीं। भगवान बसवेश्वर का वचन, वो कहते थे, जब विचारों का आदान प्रदान ना हो, जब तर्क के साथ बहस ना हो, तब अनुभव गोष्ठी भी प्रासंगिक नहीं रह जाती, और जहां ऐसा होता है वहां ईश्वर का वास भी नहीं होता है।
यानी उन्होंने विचारों के इस मंथन को ईश्वर की तरह शक्तिशाली और ईश्वर की तरह ही आवश्यक बताया था। इससे बड़े ज्ञान युग की कल्पना कोई कर सकता है? यानी सैकड़ों साल पहले विचार का सामर्थ्य, ज्ञान का सामर्थ्य ईश्वर की बराबरी का है, ये कल्पना आज शायद दुनिया के लिए अजूबा है। अनुभव मंडप में अपने विचारों के साथ महिलाओं को खुलकर के बोलने की स्वतंत्रता थी। आज कभी दुनिया हमें विमेन एम्पावरमेंट के लिए पाठ पढ़ाती है, भारत को नीचा दिखाने के लिए ऐसी ऐसी कल्पनाएं विश्व में प्रचारित की जाती हैं, लेकिन ये सैकड़ों साल पुराना इतिहास हमारे सामने मौजूद है कि भगवान बसवेश्वर ने विमेन एम्पावरमेंट, इक्वल पार्टनरशिप, कितनी उत्तम व्यवस्था साकार की थी। सिर्फ कहा नहीं, व्यवस्था साकार की थी। समाज के हर वर्ग से आई महिलाएं अपने विचार व्यक्त करती थी। कई महिलाएं ऐसी भी होती थी जिन्हें सामान्य समाज की बुराइयों के तहत तिरस्कृत समझा जाता था, जिनसे अपेक्षा नहीं की जाती थी कि उस समय के तथाकथित सभ्य समाज के बीच भी आए। कुछ बुराइयां थी हमारे यहां, वैसी महिलाओं को भी आकर के अनुभव मंडप में अपनी बात रखने का पूरा पूरा अधिकार था। महिला सशक्तिकरण को लेकर उस दौर में ये कितना बड़ा प्रयास था, कितना बड़ा आंदोलन था, हम अंदाज लगा सकते हैं। और हमारे देश की विशेषता रही है, हजारों साल पुराना हमारी परंपरा है, तो बुराइयां आई है, नहीं आनी चाहिए थी, आई है, लेकिन उन बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मांझा भी हमारे भीतर ही पैदा हुआ है। जिस समय राजा राममोहन राय ने विधवा विवाह की बात रखी होगी, उस समय के समाज ने कितना उनकी आलोचना की होगी, कितनी कठिनाइयां आई होगी, लेकिन वो अड़े रहे। माता और बहनों के साथ एक घोर अन्याय है, अपराध है समाज का, ये जाना चाहिए, करके दिखाया। और इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूं, तीन तलाक को लेकर के आज इतनी बड़ी बहस चल रही है, मैं भारत की महान परंपरा को देखते हुए मेरे भीतर एक आशा का संचार हो रहा है, मेरे मन में एक आशा जगती है कि इस देश में समाज के भीतर से ही ताकतवर लोग निकलते हैं, जो कान बाह्य परंपराओं को तोड़ते हैं, नष्ट करते हैं, आधुनिक व्यवस्थाओं को विकसित करते हैं। मुसलमान समाज में से भी ऐसे प्रबुद्ध लोग पैदा होंगे, आगे आएंगे, और मुस्लिम बेटियों को उनके साथ जो गुजर रही है, जो बीत रही है, उसके खिलाफ वो खुद लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी रास्ता निकालेंगे। और हिंदुस्तान के ही प्रबुद्ध मुसलमान को निकलेंगे जो दुनिया के मुसलमानों को रास्ता दिखाने की ताकत रखते हैं। इस धरती की ये ताकत है। और तभी तो उस कालखंड में ऊंच नीच, छूत अछूत चलता होगा, तब भी भगवान बसवेश्वर कहते थे नहीं, उस अनुभव मंडप में आकर के
उस महिला को भी अपनी बात कहने का हक है। सदियों पहले ये भारत की मिट्टी की ताकत है कि तीन तलाक के संकट से गुजर रही हमारी माताओं बहनों को भी बचाने के लिए उसी समाज से लोग आएंगे। और मैं मुसलमान समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इस मसले को राजनीति के दायरे में मत जाने दीजिए। आप आगे आइए, समस्या का समाधान कीजिए और वो समाधान का आनंद कुछ और होगा, आने वाली पीढ़ियों तक उससे ताकत मिलेगी। साथियों, भगवान बसवेश्वर के वचनों से, उनकी शिक्षाओं से बने सात सिद्धांत इंद्रधनुष के सात रंगों की तरह आज भी इस जगत को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़े हुए हैं। आस्था किसी के भी प्रति हो, किसी की भी हो, हर किसी का सम्मान हो, जाति प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां ना हो, सबको बराबरी का अधिकार मिले, इसको वे पुरजोश समर्थन करते रहते थे। उन्होंने हर मानव में भगवान को देखा था। उन्होंने कहा था, देहवे देगल, अर्थात ये शरीर एक मंदिर है जिसमें आत्मा ही भगवान है। समाज में ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो, श्रम का सम्मान हो, तर्क और वैज्ञानिक आधार पर समाज की सोच विकसित की जाए और यह हर व्यक्ति का सशक्तिकरण हो, यह सिद्धांत किसी भी लोकतंत्र, किसी भी समाज के लिए एक मजबूत फाउंडेशन की तरह है, मजबूत नींव की तरह है। वो कहते थे, ये मत पूछो कि आदमी किस जात मत का है, इव यारव ये कहो कि ये नम्मव। ये आदमी हमारा है, हम सभी के बीच में से एक है। इसी नींव पर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। यही सिद्धांत एक राष्ट्र के लिए नीति निर्देशक का काम करते हैं। हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है कि भारत की धरती पर 800 वर्ष पहले इन विचारों को भगवान बसवेश्वर ने जन भावना और जनतंत्र का आधार बनाया था। सभी को साथ लेकर चलने के उनके वचनों में वही प्रतिध्वनि है जो इस सरकार के सबका साथ सबका विकास के मंत्र में है। बिना भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं, बिना भेदभाव इस देश के हर व्यक्ति को अपना घर होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिना भेदभाव हर किसी को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। बिना भेदभाव हर गांव में गांव तक सड़क होनी चाहिए। बिना भेदभाव हर किसान को सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए, खाद मिलना चाहिए, फसल का बीमा मिलना चाहिए। यही तो है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर। और ये देश में बहुत आवश्यक है, सबको साथ लेकर के सबके प्रयास से, सबके प्रयत्न से सबका विकास किया जा सकता है। आप सबने भारत सरकार की मुद्रा योजना के बारे में सुना होगा। ये योजना देश के नौजवानों को बिना भेदभाव, बिना बैंक गारंटी, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपने रोजगार के लिए कर्ज देने के लिए शुरू की गई, विदाउट गारंटी।
अब तक देश के 3.5 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज दिया जा चुका है। आप ये जानकर के हैरान हो जाएंगे कि इस योजना के तहत कर्ज लेने वालों में, और 800 साल के बाद भगवान बसवेश्वर को खुशी होती होगी, ये कर्ज लेने वालों में 76% महिलाएं हैं। सच कहूं तो जब ये योजना शुरू की गई थी तो हम सबको भी ये उम्मीद नहीं थी कि महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में आगे आएगी, इससे जुड़ेगी और स्वयं एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में काम करेगी। आज ये योजना महिला सशक्तिकरण में एक बहुत अहम भूमिका निभा रही है। गांवों में, गलियों में, छोटे छोटे कस्बों में मुद्रा योजना महिला उद्यमियों का एक प्रकार से बड़ा तांता लग रहा है। भाइयों और बहनों, भगवान बसवेश्वर के वचन सिर्फ जीवन का ही सत्य नहीं है, ये सुशासन, गवर्नेंस, राजकर्ताओं के लिए भी ये उतने ही उपयोगी हैं। वो कहते थे, ज्ञान के बल से अज्ञान का नाश है, ज्योति के बल से अंधकार का नाश है, सत्य के बल से असत्य का नाश है, पारस के बल से लोहत्व का नाश है। व्यवस्था से असत्य को ही दूर करना ही तो सुशासन होता है, वही तो गुड गवर्नेंस है। जब गरीब व्यक्ति को मिलने वाली सब्सिडी सही हाथों में जाती है, जब गरीब व्यक्ति का राशन उसी के पास पहुंचता है, जब नियुक्तियों में सिर्फ सिफारिशें बंद होती हैं, जब गरीब व्यक्ति को भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्ति के प्रयास किए जाते हैं, तो व्यवस्था में सत्यता का ही मान बढ़ता है। और वही तो भगवान बसवेश्वर जी ने बताया, जो झूठा है, गलत है, उसे हटाना, पारदर्शिता लाना, ट्रांसपेरेंसी, वही तो गुड गवर्नेंस है। भगवान बसवेश्वर कहते थे, मनुष्य जीवन निस्वार्थ कर्म योग से ही प्रकाशित होता है। निस्वार्थ कर्म योग, शिक्षा मंत्री जी, वे मानते थे समाज में निस्वार्थ कर्म योग जितना बढ़ेगा उतना समाज से भ्रष्ट आचरण भी कम होगा। भ्रष्ट आचरण एक ऐसा दीमक है जो हमारे लोकतंत्र को, हमारी सामाजिक व्यवस्था को भीतर से खोखला कर रहा है। यह मनुष्य से बराबरी का अधिकार छीन लेता है। एक व्यक्ति जो मेहनत करके ईमानदारी से कमा रहा है, जब वो देखता है कि भ्रष्टाचार करके कम मेहनत से दूसरे ने अपने लिए जिंदगी आसान कर ली है, तो एक पल के लिए, एक पल ही क्यों ना हो, लेकिन वो ठिठक कर सोचता जरूर है, शायद वो रास्ता तो सही नहीं है। सच्चाई का मार्ग छोड़ने के लिए कभी कभी मजबूर हो जाता है। गैर बराबरी के इस एहसास को मिटाना हम सभी का कर्तव्य है। और इसलिए अब इस सरकार की नीतियों को, निर्णयों को भली भांति देख सकते हैं कि निस्वार्थ कर्मयोग को ही हमारे यहां प्राथमिकता है, और उसको आप पाएंगे, हर पल अनुभव करेंगे।
आज बसवाचार्य जी के ये वचन, उनके विचारों का प्रवाह कर्नाटक की सीमाओं से बाहर लंदन की टेम्स नदी तक दिखाई देता है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे लंदन में बसवाचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मिला। जिस देश के बारे में कहा जाता था कि इसमें कभी सूर्यास्त नहीं होता, वहां की संसद के सामने लोकतंत्र को संकल्पित करने वाली बसवाचार्य जी की प्रतिमा किसी तीसरे स्थल से कम नहीं है। मुझे आज भी याद है उस समय कितनी बारिश हो रही थी और जब बसवाराज की वो प्रतिमा लगाई जा रही थी तो स्वयं मेघ राजा भी अमृत वर्षा कर रहा था और ठंड भी थी, लेकिन उसके बाद भी इतने मनोयोग से लोग भगवान बसवेश्वर के बारे में सुन रहे थे। उनको कौतूक हो रहा था कि सदियों पहले हमारे देश में लोकतंत्र, विमेन एम्पावरमेंट, इक्वेलिटी, इसके विषय की इतनी चर्चा थी। मैं समझता हूं उनके लिए एक बड़ा अजूबा था। साथियों, अब ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की खामी मानिए या फिर अपने ही इतिहास को भुला देने की कमजोरी मानिए, लेकिन आज भी हमारे देश में लाखों करोड़ों युवाओं को इस बारे में पता नहीं होगा कि 800, 900 साल पहले, 1000 साल पहले हमारे देश में सामाजिक मूल्यों की प्रस्थापना के लिए जन जागृति का कैसा दौर चला था, कैसा आंदोलन चला था, हिंदुस्तान के हर कोने में कैसे चला था, समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने के लिए उस कालखंड में, मैं 800 हजार साल पहले की बात कर रहा हूं, गुलामी के वो दिन थे, हमारे ऋषियों ने, संत आत्माओं ने जन आंदोलन की नींव रखी थी। उन्होंने इस जन आंदोलन को भक्ति से जोड़ा था, भक्ति ईश्वर के प्रति और भक्ति समाज के प्रति। दक्षिण से शुरू होकर इस भक्ति आंदोलन का विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए उत्तर भारत तक हो गया। इस दौरान अलग अलग भाषाओं में अलग वर्गों के लोगों ने समाज में एक चेतना जगाने का प्रयास किया। इन्होंने समाज के लिए एक आईने की तरह काम किया। जो अच्छाइयां थी, जो बुराइयां थी, वो नहीं सिर्फ उन्होंने शीशे की तरह लोगों के सामने रखी, बल्कि इन बुराइयों से भक्ति का रास्ता भी दिखाया, मुक्ति के मार्ग में भक्ति का मार्ग अपनाया। कितने इनाम हम सुनते हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, संत तुकाराम, मीराबाई, नरसिंह मेहता, कबीरा, कबीरदास, संत रैदास, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, अनेक अनेक महान व्यक्तियों के समागम से भक्ति आंदोलन मजबूत हुआ। इन्हीं के प्रभाव से देश एक लंबे कालखंड में अपनी चेतना को स्थिर रख पाया, अपनी आत्मा को बचा पाया। सारी विपत्तियां, गुलामी के कालखंड के बीच भी हम अपने आप को बचा पाए, बढ़ पाए थे। एक बात और आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि सभी ने बहुत ही सरल सहज भाषा में समाज तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया है। भक्ति आंदोलन के दौरान धर्म, दर्शन, साहित्य की एक ऐसी त्रिवेणी स्थापित हुई जो आज भी हम सभी को प्रेरणा देती है। उनके दोहे, उनके वचन, उनकी चौपाई, उनकी कविताएं, उनके गीत आज भी हमारे समाज के लिए उतने ही मूल्यवान है। उनका दर्शन, उनकी फिलॉसफी किसी भी समय की कसौटी पर पूरी तरह फिट बैठती है। 800 साल पहले बसवेश्वर जी ने जो कहा आज भी सही लगता है कि नहीं लगता है? साथियों, आज भक्ति आंदोलन के उस भाव को, उस दर्शन को
पूरे विश्व में प्रचारित किए जाने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि 23 भाषाओं में भगवान बसवेश्वर के वचनों के अनुवाद का कार्य आज पूरा किया गया है। अनुवाद के कार्य में जुटे सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। आपके प्रयास से भगवान बसवेश्वर के वचन अब घर घर पहुंचेंगे। आज इस अवसर पर मैं बसवा समिति से भी कुछ आग्रह करूंगा, करूं ना? लोकतंत्र में जनता को पूछ करके करना अच्छा रहता है। एक काम हम कर सकते हैं क्या? इन वचनों के आधार पर एक क्विज बैंक बनाई जाए, क्वेश्चंस, और सारे वचन डिजिटली ऑनलाइन अवेलेबल हो। और हर वर्ष अलग अलग आयु के लोग इस क्विज कंपटीशन में ऑनलाइन हिस्सा लें। तहसील पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटर स्टेट, इंटरनेशनल, एक कंपटीशन साल भर चलता रहे। कोशिश करें 50 लाख, 1 करोड़ लोग आए, क्विज कंपटीशन में भाग लें। उसके लिए उसको वचनामृत का एक स्टूडेंट के तरह अध्ययन करना पड़ेगा, क्विज कंपटीशन में तो हिस्सा लेना पड़ेगा। और मैं मानता हूं अरविंद जी, इस काम को आप अवश्य कर सकते हैं। वरना क्या होगा कि ये चीजें हम भूल जाएंगे। मैं जिस दिन पार्लियामेंट में हमारी मुलाकात हुई, तो जैसा उन्होंने कहा कि उन दिनों नोटबंदी को लेकर के चर्चा थी, लोग जेब में हाथ लगा करके घूम रहे थे, जो पहले दूसरे के जेब में हाथ डालते थे उस दिन अपने जेब में हाथ डालते थे। और उस समय अरविंद जी ने मुझे बसवाचार्य जी के कोटेशन मुझे सुनाया था, इतना परफेक्ट था। अगर वो मुझे 7 तारीख को मिल गया होता तो मैं मेरे 8 तारीख के राष्ट्र को जो बोला उसमें जरूर उसका उल्लेख करता। और फिर कर्नाटक में क्या क्या कुछ बाहर आता है, आप जद्दार लगा सकते हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए, इसे यहां रोका ना जाए। और आज जो नई जनरेशन है तो उनका तो गूगल गुरु है, तो उनके लिए रास्ता सही है उनको। और आप देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में लोग इसको, दूसरा ये भी कर सकते हैं कि इस वचनामृत और आज के विचार दोनों की साम्यता का भी क्विज कंपटीशन हो सकता है। तो लोगों को लगेगा कि विश्व के किसी भी बड़े महापुरुष के वाक्यों की बराबरी से भी ज्यादा शार्पनेस 800-900 साल पहले हमारी इस धरती के संतान में थी। हम इस पर सोच सकते हैं। और एक काम, मैं यहां सदन में जो लोग हैं वो, और देश दुनिया में जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, 2022 हमारे देश की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। 75 साल जैसे बीत गए, क्या वैसे ही उस वर्ष को भी बिता देना है? एक और साल,
एक और समारोह ऐसा ही करना है क्या? जी नहीं, आज से ही हम तय करें 2022 तक कहां पहुंचना है। व्यक्ति हो, संस्था हो, परिवार हो, अपना गांव हो, नगर हो, शहर हो, हर किसी का संकल्प होना चाहिए। देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, जिंदगी जेलों में खपा दी, जवानी देश के लिए समर्पित कर दी, उनके सपने अधूरे हैं, उसे पूरा करना हम सबका दायित्व है। अगर 125 करोड़ देशवासी 2022 को देश को यहां ले जाना है, मेरे अपने प्रयत्न से ले जाना है, वरना सलाह देने वाले तो बहुत मिलेंगे, हाँ सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को निकना करना है। जी नहीं, 125 करोड़ देशवासी क्या करेंगे, हर हिंदुस्तानी क्या करेगा, और करना तय करे और तय करके चल पड़े। कौन कहता है दुनिया में बसवाचार्य जी का सपने वाला जो देश है, दुनिया है, वो बनाने में हम कम रह सकते हैं, वो ताकत लेकर के हम चल सकते हैं। और इसलिए मैं आज से आग्रह कर रहा हूं कि आप इस समिति के द्वारा, जिन्होंने इस विचारों को लेकर के काम बहुत उत्तम किया है, आज मुझे उन सभी सरस्वती के पुत्रों से भी मिलने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने इसको पूर्ण करने में उन्होंने रात दिन खपाई है। कन्नड़ भाषा सीखी होगी, उसमें से फिर किसी ने गुजराती किया होगा, किसी ने असमिया किया होगा, किसी ने उर्दू किया होगा, उन सबको मुझे आज मिलने का अवसर मिला। मैं उन सबका भी आज हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि इस काम को उन्होंने परिपूर्ण करने के लिए अपना समय दिया, शक्ति दी, अपना ज्ञान का अर्चन उस काम के लिए किया। मैं फिर एक बार इस पवित्र समारोह में आपके बीच आने का मुझे सद्भाग्य मिला। उन महान वचनों को सुनने का अवसर मिला और इस बहाने मुझे उसकी ओर जाने का मौका मिला, मैं भी धन्य हो गया। आपसे मिलने का सौभाग्य मिला, मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।